हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास से एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। आज हम इरेशनल नंबर्स को कैसे प्रूव करते हैं, ये चीज को मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा है मैंने, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 2 आप सभी जानते हैं कि इरेशनल नंबर होता है, लेकिन इसे प्रूव कैसे करते हैं ये आज हम सीखेंगे। तो देखिए, इसका प्रूफ कैसे करते हैं। अब जैसा ये कह रहा है कि रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ कीजिए, ठीक है, तो हम इसको पहले रेशनल मान के चलते हैं। इसमें हम अपनी बात को कुछ एजम्पशन लेंगे। पहले हमने एज्यूम कर लिया कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। इसमें हम अपनी बात को गलत प्रूफ करके इसको दिखाएंगे, कॉन्ट्राडिक प्रूफ करेंगे। इसमें कैसे, देखिए, लेट रूट टू बी अ रेशनल नंबर। देन देखिए, हमने ये मान लिया कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। हमें प्रूव ये करना है कि एक रेशनल है, लेकिन हमने ये माना कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, ठीक है, ये हमारा एजम्पशन है। इस एजम्पशन को हम आगे जाकर के अगर रॉन्ग प्रूव कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि हमारी बात गलत थी, मीन ये रेशनल नहीं है, तो ये क्या है फिर, इरेशनल। ठीक, तो मैंने ये मान लिया कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो आप सभी जानते हैं कि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर मैंने रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिखा। क्यों? क्योंकि अगर रूट टू एक रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा, ए अपॉन बी की फॉर्म में, वेयर B इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, बी जीरो के इक्वल नहीं होता। वेयर एक नई चीज और इसमें, A एंड B आर को प्राइम्स, यहां पर A और B को प्राइम्स है। वेयर A एंड B आर को प्राइम्स। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आप सभी को पता है, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। मीन मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, सपोज 3/4, ये कैसे नंबर्स है, को प्राइम, क्योंकि 1 के अलावा ये किसी और नंबर से डिवाइड दोनों नहीं हो रहे, ठीक है। तो यहां पर A और B दोनों ही को प्राइम नंबर्स है, तभी तो इरेशनल। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यह है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, रूट टू का स्क्वायर 2, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर, यहां से 2 इसको डिवाइड करेगा, मीन हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक, ए स्क्वायर अपॉन 2, इसका क्या मतलब है कि ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 2 से डिवाइड होगा, सो a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2, a भी 2 से डिवाइड होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, ठीक है, क्या 16 2 से डिवाइड होता है, यस। अगर किसी नंबर का स्क्वायर जो कि 16 है, 4 का स्क्वायर 16 है, ये 16 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जो ये नंबर है 4, ये भी तो 2 से डिवाइड होता है, यस। मीन किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। ऐसे यहां पर देखिए, अगर ए स्क्वायर, जैसे यहां 4 स्क्वायर है, ऐसे यहां ए स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 2 से डिवाइड होगा। ऐसे भी को आसमान में, चलिए अब इसके, अब देखिए, a अगर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो a 2 से डिवाइड हो रहा है, a यहां पर क्या हो गया, डिविडेंड, और 2 क्या हो गया, डिवाइजर। अब जैसा आपने यहां देखा कि 2 से 16 डिवाइड हो रहा है तो 8 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, मीन कोई क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे ही हम लेट कर लेते हैं। हमने लेट किया a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर 2, a इज इक्वल टू 2c, क्यों, क्योंकि a डिवाइड होगा 2 से, अगर a 2 से डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ यहां पे क्वेश्चन भी तो बचेगा, जैसे यहां पर बचा है,
यानी कि यहां पर सी मान लिया हमने उस क्वेश्चन को, सी एक इंटीजर मान लिया जो कि 2 से ए को डिवाइड होने पर आ रहा है, समझ में आया। अब इस ए की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करेंगे, देखिए आगे, देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, रूट टू बी इज इक्वल टू ए, अभी मैंने ऊपर फर्स्ट इक्वेशन मानी थी, अब मैं इसमें जो ये ए नीचे आया है 2c, एक छोटी सी सही कर लीजिएगा, फॉर सम इंटीजर c होगा 2 नहीं, ठीक है c। अब देखिए जो यहां पर हमारी a की वैल्यू आई है 2c, उसे मैं यहां पर पुट करूंगा, पुट a इज इक्वल टू 2c जो ये आया है इन इक्वेशन फर्स्ट जो ये मैंने ऊपर मानी थी, इस इक्वेशन में मैं a की जगह 2c पुट कर रहा हूं, तो क्या आएगा रूट टू बी इज इक्वल टू, ए की जगह मैंने यहां पर 2c पुट कर दिया, कर दिया। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक, हमने स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, रूट टू बाई स्क्वायर 2, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक है, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया तो ये आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया b स्क्वायर अपॉन 2, आया सभी को समझ में, c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया b स्क्वायर अपॉन 2, इसका क्या मतलब है b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है सो b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2, अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b जो होगा वो भी 2 से डिवाइड होगा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर ऊपर a जो था वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब a और b दोनों का एक कॉमन फैक्टर मिल गया 2, बट हमने तो ऊपर a और b को क्या लिया था, को प्राइम, मीन जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं थे, लेकिन हमने यहां पर ये प्रूफ कर दिया कि a और b का एक कॉमन फैक्टर है 2, इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन था वो गलत है, और अगर हमारा एजम्पशन गलत है इसका मतलब रूट टू एक इरेशनल नंबर होता है, समझ में आया, इसको हम आगे लिखते हैं, देयरफॉर a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर 2, ठीक, a और b के क्या है कॉमन फैक्टर 2 मिल गया, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम्स, जब a और b का एक कॉमन फैक्टर मिल गया है 2, इसका मतलब इसने उस फैक्ट को, उस सच्चाई को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि a और b को प्राइम है, और अगर ये को प्राइम नहीं है देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देखिए ये इसका मतलब a और b को प्राइम नहीं है, और अगर a और b को प्राइम नहीं है मतलब हमारा एजम्पशन गलत है, मीन आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, और अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है इसका मतलब हमने तो ये माना था कि वो रेशनल नंबर है, और अगर वो गलत हो गया इसका मतलब कौन सा है वो इरेशनल नंबर, हेंस रूट टू इज अ इज एन इरेशनल नंबर, ये लीजिए प्रूव हो गया रूट टू एक इरेशनल नंबर होता है, सभी को आया समझ में, मीन कभी भी आपको अगर इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो सबसे पहले उसे रेशनल लेके चलेंगे, उसका कोई भी कॉमन फैक्टर निकाल के दिखा देंगे उन दोनों नंबर्स के, और अपने ही एजम्पशन को हमें रॉन्ग प्रूव करना है जिसके थ्रू हम कर पाएंगे कि वो नंबर इरेशनल होता है। आई होप आपको ये इरेशनल प्रूफ करना आ गया होगा, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, थैंक यू।